इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुड़ रहे हैं। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ही के साथ हम इस सत्र की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य इस देश का, लेकिन उसके साथ ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह से आप लोगों ने शुरुआत की और आज की तारीख में जहां पर खड़े हैं, एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पर भी हम देख सकते हैं। देखिए, धन्यवाद। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि वैश्विक महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई में मीडिया ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके अपनी जान को हथेली में लेकर के सही जानकारी आम जनमानस को देने का योगदान किया है, मैं सभी मीडिया कर्मियों का हृदय से इसके लिए अभिनंदन करता हूं। ये वैश्विक महामारी है और पूरे देश को मिलकर के इस लड़ाई, इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। ये हम सबका सौभाग्य है कि देश में एक यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में है और जिनके नेतृत्व में समयबद्ध ढंग से जो कार्य योजना बनी, आज उसका परिणाम है कि 135 करोड़ की आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। अगर हम दुनिया के अंदर देखें तो भारत के अंदर 135 करोड़ की आबादी में हमारे यहां जो इन्फेक्शन है या जो डेथ रेट है, इसको हम अमेरिका या पश्चिमी यूरोप के देशों से तुलना करें तो हम बहुत सेफ स्थिति में हैं। लेकिन आगे भी हम सबको और सतर्क होकर के कैसे हम लोग न केवल कोरोना के खिलाफ इस जंग को जारी कर सकते हैं, अभी तो हम लोग इस बारे में भी तय करें कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए लॉकडाउन की कार्रवाई और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कुछ आर्थिक गतिविधियों को भी आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, जिससे भारी पैमाने पर निर्माण है कि अगर हम भारत के अंदर इस बात को देखेंगे तो लगभग 45 से 46 करोड़ कामगार और श्रमिक वर्तमान में कहीं ना कहीं लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं और जो आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं, काफी लोगों को फिर से कार्य मिला है, लेकिन इन सब को कहीं ना कहीं फिर से जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज घोषित हुआ था, उस पैकेज के साथ ही हम इन्हें रोजगार और नौकरी के साथ भी जोड़ सकें, इस पर अब कार्य किए जाने की आवश्यकता है।